जय हिंद, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। भगवानपुर पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी फुटकर में स्मैक लाकर उसे थोड़ी मात्रा में बेचने का काम करता है। रुड़की में अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि नशे पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके अंतर्गत भगवानपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम शाहपुर में इखलाक के घर पर भारी मात्रा में स्मैक है। सूचना पर सीओ मंगलोर पंकज गोरेला के नेतृत्व में उस टीम ने वहां जाकर छापेमारी की तो इखलाक के घर से उसकी निशानदेही पर 123 ग्राम स्मैक, एक डिजिटल तराजू, 13,300 रुपए नगद बरामद हुए। आरोपी इखलाक ने पूछताछ में बताया उसने भुवनपुर भगवानपुर निवासी अली में उसके छोटे भाई से स्मैक खरीदी थी और वह उस स्मैक को गांव में छोटी छोटी बिट बनाकर बेचता है। अब भी उसने उससे 13,300 की स्मैक बेची है। पुलिस ने बताया कि बरामद स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। सीओ मंगलौर के नेतृत्व में और एसओ भगवानपुर की टीम के द्वारा एक इखलाक नाम का व्यक्ति है, जिससे लगातार सूचना हमें मिल रही थी कि ये एनडीपीएस की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीओ की मौजूदगी में जब इसके घर की तलाशी ली गई तो करीब 125 ग्राम के आसपास स्मैक से प्राप्त हुई है। पुलिस इसको भी पता लगा रही है कि ये स्मैक इसके पास आई कहां से है और इसको ये कहां इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उस चैनल को भी हम पता लगा रहे हैं। फिलहाल अभी एक अरेस्टिंग इसमें की गई है, बाकी और भी अरेस्टिंग इसमें की जानी है। करीब 10 लाख के आसपास की कीमत आंकी जा रही है, लेकिन बाजार का कीमत का तो नहीं होता, क्वांटिटी की बात है। इतनी बड़ी खेप ये यहाँ पर खपाने की बात थी, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।